वार्ड कनिंघम ने 25 मार्च 1995 को विकी विकी वेब लॉन्च की थी। ये अपनी तरह की पहली साइट थी जिसे यूजर्स एडिट कर सकते थे। विकी विकी वेब पर सिर्फ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न की चर्चा होती थी। कनिंघम चाहते थे कि दुनिया के सभी प्रोग्रामर्स अपनी जानकारी को शेयर करें। तब इंटरनेट डेवलप हो रहा था, नए नए सॉफ्टवेयर भी सामने आ रहे थे। तब एक ऐसी साइट की जरूरत थी जो दुनिया के डेवलपर्स के लिए ओपन डेटाबेस का काम करे। इसके आधार पर ही विकी सॉफ्टवेयर बना जो बाद में विकी बेस बना। कनिंघम ने अपनी कंपनी कनिंघम एंड कनिंघम की वेबसाइट c2.com पर इसे लॉन्च किया था। इसका नाम विकी कैसे पड़ा ये दिलचस्प है। कनिंघम को होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंटर के कर्मचारी ने सुझाव दिया था कि वे विकी विकी शटल में यात्रा करें। ये एक शटल बस थी जो एयरपोर्ट टर्मिनल्स के बीच दौड़ती थी। हवाई की भाषा में विकी का मतलब है जल्दी। कनिंघम का आइडिया ऐसा था कि विकी विकी वेब की पेजेस को यूजर्स आसानी से एडिट कर सके। वह शुरू में क्विक वेब के तौर पर इसे शेयर करना चाहते थे, पर बाद में उनका विचार बदला और इसका नाम पड़ा विकी विकी वेब। इस विकी विकी वेब ने इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। इसके बाद कई विकी लॉन्च हुए। कुछ लोगों ने कनिंघम की साइट की क्लोन साइट्स बनाई, लेकिन 2001 तक कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के सर्कल्स के बाहर इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा पहचान नहीं मिल सकी थी। विकी विकी वेब की थीम पर ही 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया लॉन्च हुआ। ये फ्री कंटेंट एनसाइक्लोपीडिया है जिसे कोई भी एडिट कर सकता है। सिमिलर वेब के मुताबिक आज ये दुनिया की 8वीं सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। फरवरी में इस वेबसाइट पर 5.3 अरब विजिटर्स थे। कोरा, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया जैसी वेबसाइट्स के बीच ये रेफरेंस मटेरियल, डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में नंबर 1 वेबसाइट है। 20 मार्च 2021 की स्थिति में विकिपीडिया पर 300 से अधिक भाषाओं में 5 करोड़ 30 लाख पेज बने हैं। इस तरह से हमने इस बेहद छोटे से वीडियो में बात किया कि कैसे विकी विकी वेब से शुरू हुआ सिलसिला विकिपीडिया तक पहुंचा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूले। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक लेता ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।